चलिए आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं दी इंडस वैली के कुछ नए प्रोडक्ट्स की, नए कुकवेयर की। देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या है। तो इसमें है एक और छोटा बॉक्स जिसके अंदर है ट्राई स्टील सॉस पॉट विथ लिड 16 सेंटीमीटर का। साथ ही है एक और कुकवेयर और इसको भी हम जल्दी ही खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। इसके अलावा एज यूजुअल इनके कुकवेयर के डिटेल्स, एक मैनुअल वारंटी कार्ड एंड इनके क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस। अब इस बॉक्स को हम अलग रख देते हैं और सबसे पहले हम ये वाला कुकवेयर खोल के देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसके अंदर क्या निकलता है। एज यू कैन गेस अ लिटिल बिट दैट इट इज़ अ कढ़ाई। ये जो कढ़ाई है ये भी स्टेनलेस स्टील की ही कढ़ाई है। अगर आप इसका लिड देखेंगे तो ये लिड जो है ये भी स्टेनलेस स्टील का है। ये अभी जब कंपनी से आया है तब इसमें थोड़े से फिंगर मार्क्स हैं, बट वो वॉश करने पे एकदम क्लीन हो जाएंगे। साथ ही इसमें एक ग्रीन हीट रेजिस्टेंट नॉब है जिससे इसको हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जो स्टेनलेस स्टील है ये रस्ट रेजिस्टेंट है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील है और इसमें डेंट्स भी पड़ने का डर बहुत कम रहता है। चलिए अब हम देखते हैं ये कढ़ाई। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो बॉटम है वो ट्राई प्लाई बॉटम है जो कि 3 लेयर स्टेनलेस स्टील के बीच में एल्यूमिनियम के सैंडविच बॉटम के साथ बना हुआ है। ये 9 mm का बॉटम है। इसका जो स्टेनलेस स्टील है वो ट्राई स्टील है यानी कि ट्रिपल लेयर्ड स्टील है। इसके भी जो हैंडल्स हैं वो ग्रीन कलर के हीट रेजिस्टेंट हैंडल्स हैं जिससे इसको हैंडल करना, यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। इसका जो पूरा स्टील की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इंडस वैली के सभी प्रोडक्ट्स की स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये स्टीम निकालने के लिए इसके लिड में 3 होल्स भी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कढ़ाई है और ये किसी भी तरह की सब्जियां बनाने के लिए या फ्राइंग करने के लिए बहुत अच्छी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट। ये जो दूसरा कुकवेयर है जैसा मैंने आपको दिखाया था ये ट्राई स्टील सॉस पॉट है जिसके साथ एक लिड है और ये 16 सेंटीमीटर का है। इसमें भी सैंडविच बॉटम है जो कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के साथ सैंडविच करके बनाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका लिड। ये जो स्टेनलेस स्टील का लिड है ये कढ़ाई की तरह इसमें भी एक नॉब है ऊपर जिससे इसको हैंडल कर सकते हैं आप आसानी से। इसमें भी वही उसी तरह के 3 होल्स हैं स्टीम या एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकालने के लिए। अब देखते हैं हम ये सॉस पॉट। इस सॉस पॉट में भी 9 mm का ट्रिपल लेयर्ड बॉटम है जिसमें कि दोनों तरफ ऊपर नीचे स्टील है और बीच में एल्यूमिनियम है। इसकी भी स्टील की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। 304 ग्रेड का स्टील है इसमें स्टेनलेस स्टील। इसमें आप अलग अलग तरह के राइस, बिरयानी, सूप्स, ग्रेवी की सब्जियां वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनको क्लीन कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम रेगुलरली सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को क्लीन करते हैं इनको भी बिल्कुल वैसे ही क्लीन करना है। इसकी जो स्टील की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक बहुत हार्ड स्टेन कोई ना आ जाए तब तक आप स्टील का स्क्रब किसी भी बर्तन पर कभी यूज़ ना करें। अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ से ग्रीन साइड ऑफ स्क्रब से इसको आराम से या सिलिकॉन स्क्रब से क्लीन कर सकते हैं। ये दोनों ही कुकवेयर डिश वॉशर प्रूफ भी हैं तो आप इसको बड़े ही आसानी से डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे जो कि है डेमो। डेमो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ भी। अगर आपको कोई भी डिटेल रेसिपी का ऐसा लगे जो आपको क्लैरिटी नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो जो सॉस पॉट है उसमें हम बना रहे हैं इमली की चटनी और जो कढ़ाई है उसमें मैं बनाने वाली हूँ रात की बची हुई रोटियों का पोहा या जिसे लोग कचुंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस पॉट में तेल गरम करके यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल या घी ले सकते हैं। उसको उसमें मैंने जीरा और हींग का तड़का लगा के इमली का पल्प डाल दिया है।
इमली का पल्प बनाने के लिए मैंने इमलियों को रात भर पानी में सोख करके रखा था और सुबह उसको मैश करके अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, जिससे कि उसका सारा पल्प बाहर आ गया। अब इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ कढ़ाई में हम बनाएंगे रोटी का पोहा। तो जैसे हम जनरली पोहा बनाते हैं उसी तरह से कढ़ाई में मैं डालूंगी थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ी सी सौंफ और साथ ही फिर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अनियन। जब तक वहाँ पर वो पक रही है तो हम ओकेजनली जो हमारी चटनी बन रही है उसको भी स्टर करते रहेंगे। प्याज जब हाफ कुक हो जाएगी तब मैंने उसमें थोड़ा सा आलू और मटर भी डाल दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट के साथ इसको मिक्स करके फिर हम इसे पकने के लिए ढक देंगे। साथ ही साथ क्योंकि अभी कुकिंग का टाइम है सुबह सुबह, तो मैं दूसरी कढ़ाई में सब्जी भी बना रही हूँ। यहाँ पर हमारा रोटी के पोहे के लिए मसाला बन रहा है और यहाँ पे देखिए जैसे ही आलू पक गए हैं तो फिर मैंने ये जो रोटियाँ थी इसको एक ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और फिर उसको इस पर डाल दिया है। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर, हरा धनिया और पानी का थोड़ा सा छींटा देकर, क्योंकि रोटी अक्सर ड्राई हो जाती हैं तो वो छींटा देकर फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद थोड़ी देर से स्टीम होने देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी कढ़ाई है ये माया की कढ़ाई है और इसमें मैं बना रही हूँ सब्जी और इनकी डेप्थ में कितना अंतर है। ये जो इंडस वैली की कढ़ाई है ये इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जो पोहा है ये बाहर नहीं गिर रहा है और देख सकते हैं आप नीचे बिल्कुल चिपका भी नहीं है। तो पोहा हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट और इमली जब पक गई है थोड़ी सी तब मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ जो है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालिए क्योंकि गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो जब गुड़ अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें डाला है काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी जब तक कि ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती। इमली अब आप देख सकते हैं चटनी हमारी बनकर तैयार है। जब ये थोड़ी सी वॉर्म थी तब इसमें मैंने भुने हुए जीरे को थोड़ा सा दरदरा करके इसमें डाल दिया है और ठंडी होने पर मैं इसे एक जार में निकाल लूँगी। ये जो चटनी है आप इसे फ्रीज़र में रखकर 6 से 8 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको चटनी खानी हो तो थोड़ी सी चटनी बोल में निकालें और उसमें हल्का सा पानी मिक्स करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसे लगी और ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे और इसमें से आपका फेवरेट कुकवेयर कौन सा है ये ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।